दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को भी क्लिक करें। तो लो दोस्तों कैसे हैं आप, मैं हूं विवेक सिंह और दोस्तों टेक्नोमैक्सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हॉनर और हुआवे सेम ही कंपनी है, हुआवे पेरेंट ब्रांड है और हॉनर जो है उसका बेटा है, एंड ये दोनों ब्रांड मिलकर इंडिया में दो स्मार्टफोन लॉन्च करने वाले हैं अगले 4-5 दिन में। 7 तारीख को हुआवे का Y9 आ रहा है जो कि एंजॉय 9 के नाम से चाइना में लॉन्च हुआ था, और 10 तारीख को हॉनर का 10 लाइट आ रहा है जो कि 9 लाइट का अपग्रेड वर्जन होगा। 9 लाइट याद है, 1 साल पहले लॉन्च हुआ था, क्वाड कैमरा के साथ अच्छा फोन था। तो यही दोनों स्मार्टफोन आने वाले हैं और स्पेसिफिकेशन कुछ कमाल के दोनों के, दोनों 15 से 16 हज़ार के प्राइस रेंज के आसपास आने वाली है, ऐसा एक्सपेक्टेड है। तो इन दोनों के बीच में कंपेरिजन कर लेते हैं, देखते हैं कौन सा स्मार्टफोन अच्छा है। चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ, पसंद है तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना, नहीं पसंद है तो अनलाइक करना, मुझे बताना क्यों नहीं पसंद है। दोस्तों चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोनों स्मार्टफोन आने वाले कमाल के स्पेसिफिकेशन साथ और कमाल की प्राइसिंग पे, 14 से 15-16 हज़ार की प्राइसिंग होगी जो छोटा वाला वेरिएंट होगा उसका, ऐसा एक्सपेक्टेड है क्योंकि उसी प्राइस रेंज के आसपास वो चाइना में भी लॉन्च हुए हैं। एंड अगर डिजाइन और डिस्प्ले की बात करें कंपैरिजन, तो दोनों स्मार्टफोन बड़े डिस्प्ले के साथ आने वाले हैं लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होगा। Y9 जो है हुआवे का 6.5 इंच के डिस्प्ले के साथ आने वाला है, जबकि हॉनर का 10 लाइट जो है दोस्तों वो आने वाला है 6.3 इंच के, तो ज़्यादा डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेगा नहीं। हॉनर के 10 लाइट में आपको वाटर टॉप नॉच मिलेगा, उसके बदले अगर आप हुआवे Y9 की बात करोगे तो उसमें नॉर्मल नॉच आएगा क्योंकि उसमें दो तीन चीज़ें हैं, दो कैमरा है प्लस उसके साथ आपको LED नोटिफिकेशन मिलेगा। जबकि हॉनर 10 लाइट की बात करोगे तो उसमें आपको सिर्फ एक कैमरा दिया हुआ है। एंड अगर डिस्प्ले के क्वालिटी की बात करोगे, दोनों फुल HD प्लस हैं, ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, लेकिन अगर हुआवे के फोन की बात करोगे तो उसका डिस्प्ले की क्वालिटी कम है थोड़ी सी, क्योंकि उसमें 396 उसका जो पिक्सल डेंसिटी है वो 396 पिक्सल पर इंच आता है, जबकि अगर आप हॉनर के फोन की बात करोगे हॉनर 10 लाइट की तो उसमें 420 पिक्सल पर इंच है। यानी क्वालिटी के हिसाब से बात करोगे तो हॉनर का फोन ज़्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू हुआवे का फोन। बैक साइड पे जाओगे तो दोनों में ड्यूअल कैमरा का सेटअप है। अगर हुआवे के फोन की बात करोगे तो उसमें कैमरा जो है दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जबकि हॉनर के फोन में दोनों अलग अलग हैं। दोनों में फ्लैश लाइट दिया हुआ है, बीच में फिंगरप्रिंट स्कैनर है, ग्लास बॉडी है बैक साइड पे, और नीचे हुआवे और हॉनर की ब्रांडिंग है। यानी देखने में दोनों स्मार्टफोन आगे और पीछे से बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन वाटर ड्रॉप नॉच होने की वजह से और डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छा होने की वजह से आपको हॉनर का फोन ज़्यादा अच्छा लगेगा एज कम्पेयर टू हुआवे। इसके बाद आते हैं परफॉर्मेंस पे, तो दोनों में किरिन 710 का ही प्रोसेसर है, तो कोई खास फर्क आपको पड़ने वाला नहीं है इसमें। किरिन 710 आपको मालूम है 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, जिसमें 4 कोर 2.2 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक्ड होते हैं, बाकी 4 कोर 1.7 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक्ड होते हैं। यानी 1.7 गीगाहर्ट्ज़ आपको बैटरी एफिशिएंसी देगा और 2.2 गीगाहर्ट्ज़ जो है पावर देंगे। उसके साथ साथ दोनों में माली का G51 का GPU है, यानी गेमिंग ग्राफिक्स में आपको कुछ खास आपको देखने को नहीं मिलेगा, थोड़ा सा वीक GPU है इस प्रोसेसर के हिसाब से अगर आप देखोगे। प्रोसेसर बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी डेली यूजेस में आपको ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं मिलेगा देखने के लिए, लेकिन इस प्राइस रेंज में आपको गेमिंग के लिए इससे अच्छे स्मार्टफोन मिल जाएंगे। तो दोनों में माली G51 का ही GPU है वो, जो कि उतना खास नहीं है। GPU टर्बो के साथ आते हैं, अच्छी चीज़ है, दिया है टेक्नोलॉजी, लेकिन स्टिल अगर आप GPU टर्बो के साथ भी माली G51 को देखोगे और उसके बदले अगर इसी प्राइस रेंज में स्नैपड्रैगन 660 के साथ आने वाला जो एड्रीनो 512 का GPU है उसको देखोगे, तो एड्रीनो 512 हमेशा अपर हैंड रखता है। यानी गेमिंग ग्राफिक्स के लिए दोनों स्मार्टफोन ठीक हैं, बहुत अच्छे नहीं कह सकते, ठीक है, और बाकी डे टू डे यूजर्स के लिए अगर कहोगे तो किरिन 7 एक बहुत अच्छा प्रोसेसर है दोस्तों। उसके साथ साथ ही दोनों में एंड्रॉइड 9 पाई आने वाला है आउट ऑफ द बॉक्स, जो कि EMUI 9 पे बेस्ड होगा। यानी ज्यादा डिफरेंसेस आपको प्रोसेसर और एंड्रॉइड वर्जन में देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। अब आता है अगला फैक्टर, यानी कैमरा। कैमरा की बात करें तो दोनों स्मार्टफोन के अपने अपने प्लस पॉइंट्स हैं, दोनों मोस्टली सेल्फी सेंट्रिक हैं, क्योंकि 4 कैमरा आपको हुआवे के फोन में मिलेगा, सिर्फ 3 कैमरा हॉनर के फोन में मिलेगा, लेकिन हॉनर के फोन की क्वालिटी जो है कैमरास की वो ज़्यादा अच्छी है एज कम्पेयर टू हुआवे के फोन। अब पहले रियर कैमरा की बात करें तो हुआवे का जो फोन है दोस्तों उसका रियर कैमरा 16+2 मेगापिक्सल का है और हॉनर का जो है वो 13+2 मेगापिक्सल का है। दोनों फोन में 2 मेगापिक्सल वाला जो है दोस्तों वो डेप्थ सेंसिंग के लिए दिया हुआ है, और जो 16 और 13 मेगापिक्सल वाले हैं वो प्राइमरी सेंसर्स हैं। हुआवे का फोन जो है दोस्तों उसका जो अपाचर है वो F2.0 का है, और हॉनर का फोन जो है उसका अपाचर F1.8 का है। यानी लो लाइट फोटोग्राफी में हॉनर का फोन ज़्यादा आगे रहेगा एज कम्पेयर टू हुआवे का फोन। बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं, बाकी सारी चीज़ें आपको दोनों में मिल जाएंगी, बुके में से लेके पैनोरमा तक, HDR से लेके सारी चीज़ें दोनों में मिल जाएंगी, लेकिन एक कमी है, 15,000 के अगर आसपास से दोनों स्मार्टफोन आते हैं तो दोनों में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन नहीं है। बाकी फोन्स में आपको मिल जाता है, बहुत सारे ऐसे फोन है जो इस बजट रेंज में आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग देते, यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता तो आप इन दोनों फोन की तरफ देख सकते हो। दोनों फोन में बैक साइड पे ड्यूअल कलर LED टोन फ्लैश दिया हुआ है, यानी फ्लैश लाइट का भी इशू नहीं है। उसके साथ अगर फ्रंट कैमरा की बात करें तो दोनों सेल्फी सेंट्रिक है, जैसे मैंने कहा। हॉनर के फोन में आपको फ्रंट साइड में सिंगल कैमरा मिलेगा, जबकि हुआवे के फोन में ड्यूअल कैमरा का सेटअप है।
मतलब Huawei Y9 में आपको फ्रंट साइड में 13+2 मेगापिक्सल कैमरा मिलेगा, जिसका अपाचर f1.8 का है, यानी लो लाइट सेल्फीज भी आपको अच्छी देगा। डुअल कैमरा है तो इसमें बूके भी आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा और डेप्थ सेंसिंग के लिए है, तो बाकी सारी चीजें भी अच्छी हैं। एंड जैसे छोटी छोटी चीजें मिल जाती हैं, जो बूके से लेकर सारी चीजें आपको इसमें मिल जाएंगी। उसके बाद अगर मैं Honor 10 Lite की बात करूं तो उसमें फ्रंट साइड पे नॉच है, मालूम है वाटर ड्रॉप नॉच, तो एक ही कैमरा आएगा उसमें, बाकी सब चीज़ों के लिए स्पेस नहीं है। तो वहाँ पे 24 मेगापिक्सल का कैमरा दिया हुआ है, जिसका अपर्चर f2.0 का है, जो कि ठीक ठाक सेल्फीज दे देगा, लेकिन 24 मेगापिक्सल है तो यानी आपको अच्छी सेल्फीज मिल जाएगी। इन दोनों फोन्स में फ्रंट कैमरा से भी आप 1080 रिजोल्यूशन वाले वीडियो निकाल सकते हो, और दोनों स्मार्टफोन में फ्रंट साइड में फ्लैश नहीं दिया हुआ है, यानी आपको डिस्प्ले की फ्लैश से ही काम, स्क्रीन फ्लैश जो होता है उससे ही काम चलाना पड़ेगा। तो कैमरास ओके हैं, रियर साइड वाले ठीक ठाक हैं, बहुत अच्छे नहीं कह सकते हो, लेकिन फ्रंट साइड वाले जो कैमरा से दोस्तों वो कहीं ज्यादा अच्छे हैं इस प्राइस रेंज के अगर आप देखोगे तो। सेल्फी सेंट्रिक स्मार्टफोन है दोनों, कैमरास के हिसाब से अगर आप बात करोगे तो। इसके बाद आते हैं बैटरी में, बैटरी की बात करें तो दोनों ठीक ठाक बैटरी देते हैं। Huawei का फोन थोड़ा अच्छा है क्योंकि 4000 mAh की बड़ी बैटरी देता है। Honor का फोन जो है दोस्तों Honor 10 Lite, वो देता है आपको 3400 mAh की बैटरी, जो कि ठीक ठाक है, एक दिन का बैटरी बैकअप दे देगी आपको। दोनों स्मार्टफोन में आपको वही USB 2.0 का ही पोर्ट मिलता है और दोनों में फास्ट चार्ज मिलता नहीं, यानी 5 वोल्ट 2 एम्प वाला ही चार्ज मिलता है आपको, 10 वॉट वाला जो चार्जर होता है वही आपको मिलेगा, तो ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट करने की इसमें वो नहीं है। तो 4000 mAh की बैटरी के साथ अगर आप देखोगे तो Honor का फोन थोड़ा पीछे हो जाता है Huawei के फोन से, उसमें 4000 mAh की बैटरी है जबकि Honor के फोन में सिर्फ 3400 mAh की। सेंसर्स की बात करें, दोनों स्मार्टफोन में सारे सेंसर्स आपको मिल जाएंगे, फेस अनलॉक भी कर सकते हो, फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया ही है पीछे, दोनों में कोई इश्यूज नहीं है। बाकी सारे सेंसर्स एम्बेड लाइट सेंसर से लेके जायरोस्कोप तक बाकी सारे सेंसर्स मिल जाएंगे, हाँ एक्सेलोमीटर से लेके सब कंपास तक सब सारे तो सेंसर्स हैं, दोनों में कोई इशू नहीं है। नॉर्मली Honor के फोन में जायरोस्कोप का इशू होता है, बट यहाँ पे दोनों फोन में जायरोस्कोप दिया हुआ है तो उसमें कोई इशूज आने वाले नहीं है दोस्तों। इसके बाद आते हैं स्लॉट में, सिम स्लॉट कैसा है, वेरिएंट और प्राइसिंग। प्राइसिंग के बारे में अभी कोई खुलासा नहीं हुआ है। चाइना में जो इसके बेस वेरिएंट 4GB 64GB दोनों के लॉन्च हुए थे, करीब करीब 15,000 के आसपास, 14 से 15,000 के आसपास लॉन्च हुए थे। अब देखना है इंडिया में कितने में लॉन्च होते हैं और कौन से वेरिएंट आते हैं। लेकिन अगर सिम स्लॉट की बात करूं तो दोनों में आपको अलग अलग स्लॉट मिलेंगे, जैसे कि आपको Huawei के फोन में डेडिकेटेड एसडी कार्ड स्लॉट मिलेगा, यानी दो सिम कार्ड के साथ आप एक एसडी कार्ड यूज कर सकते हो और उसको 400GB तक बढ़ा भी सकते हो। इसके बदले अगर आप बात करोगे Honor के 10 Lite की तो उसमें हाइब्रिड है, यानी आप एक बार में या तो दो सिम कार्ड यूज कर सकते हो या फिर एक सिम कार्ड और एक एसडी कार्ड, तो ये थोड़ा सा इशू है Honor में, बाकी सारी चीजें ठीक हैं। अब डिसाइड आपको करना है कि दोनों में आपको कौन सा पसंद आता है। तो अगर कंफ्यूज हो गए तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको एक बड़ा डिस्प्ले चाहिए, उसके साथ साथ बड़ी बैटरी और दोस्तों चार कैमरा चाहिए डेडिकेटेड एसडी कार्ड स्लॉट के साथ, तो आप Huawei के फोन की तरफ जा सकते हो, Huawei Y9, जो कि Enjoy 9 के नाम से चाइना में लॉन्च हुआ था। उसके बाद अगर आपको अच्छी क्वालिटी वाला वाटर ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले चाहिए दोस्तों, उसके साथ साथ मेरे हिसाब से अच्छी क्वालिटी वाला कैमरा, दोनों अगर ओवरऑल देखोगे तो आप Honor के 10 Lite की तरफ जा सकते हो। अब डिसाइड आपको करना है कि दोनों में कौन सा स्मार्टफोन आपको पसंद आता है, और ये वीडियो कैसा लगा आपको वो भी जरूर बताइएगा। पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना, नहीं पसंद आया तो अनलाइक करना, मुझे बताना क्यों नहीं पसंद आया दोस्तों। और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, उन्हें भी चेक कर सकते हो नीचे स्क्रॉल डाउन करके, और मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो। सपोर्ट करने के लिए कुछ खास नहीं करना है, साइड में देखो वेक्टर इमेजेस पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो दोस्तों, ऐसे ही कमाल के वीडियोस के लिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।